दोस्तों अभी भी समय है, वक्त रहते जाग जाओ। 5 मई शाम 5 बजे हमारा ट्विटर कैंपेन होने वाला है और हमारा ये हैशटैग होगा। इस हैशटैग को ध्यान से देख लो, कोई भी गलती नहीं करेगा, ठीक है? और कभी भी यदि आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, ठीक है? आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा और हमेशा मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। कभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? और ये देख सकते हो आप लोग, मुझे भी टैग कर सकते हो, ये हमारी पर्सनल आईडी है, ठीक है? और ये हमारे चैनल की ट्विटर अकाउंट है, ठीक है दोस्तों? और ये हैं चौहान शिवराज PMO और आज तक। और मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं आप लोग उन्हें टैग करिए, ठीक है? तो जितने मैंने बता दिया इनको तो आपको टैग करना ही है, ठीक है? और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं आप सभी को टैग करिए, ठीक है? और आज हम देखेंगे शिफ्ट वाइज कट ऑफ, ठीक है? और नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को घबराना नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने बताई थी तो कुछ उसमें से शिफ्ट बच गई थी, तो मैं आज सभी शिफ्ट को कवर करूँगा, ठीक है? तो ध्यान से जो भी मैं बताऊँ ध्यान से सुनना है, ठीक है दोस्तों? चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 7 मार्च से, ठीक है? अल्टरनेट में बता रहा हूँ आप लोगों को, सारी शिफ्ट मैं आज कवर करूँगा, ठीक है ना? तो 7 मार्च यदि आपकी फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में है एग्ज़ाम, 10 से 12 नंबर आप लोगों के बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हार्ड शिफ्ट में थी, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं 12 मार्च फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हमारा डाटा आ चुका है। तो जो फर्स्ट शिफ्ट थी थोड़ी सी इजी शिफ्ट थी, तो 7 से 8 नंबर इसमें बढ़ेंगे और इसमें 12 से 13 नंबर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? और 16 मार्च देख लेते हैं, 16 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, तो 12 से इसमें दोनों ही शिफ्ट हार्ड थी, तो 16 मार्च सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है अभी तक की, 16 और 17, ठीक है? तो देख सकते हो आप 12 से 15 नंबर इसमें बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट 17 मार्च की जो मैं बताई थी आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, तो 15 से 16 नंबर आप लोगों को इसमें भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? और ट्विटर कैंपेन में दोस्तों सभी को पार्टिसिपेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है? तो 21 मार्च का देख लिया आप लोगों ने। एंड 23 मार्च का देख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, तो 9 से 10 नंबर आप लोगों के इसमें इंक्रीज होंगे, ये अभी तक की हार्ड शिफ्ट हैं सारी, ठीक है? एंड 24 मार्च का देख लेते हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का हमारे पास डाटा आ चुका है, तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके 12 से 13 नंबर आप लोगों के बढ़ेंगे और सेकंड शिफ्ट में 10 से 12 नंबर तक आप लोगों को बढ़े हुए देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? और वीडियो को शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देने वाला, ठीक है? क्योंकि हमारे पास हमने डाटा कलेक्ट किया है और काफ़ी समय के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड की है, जिससे कि आप लोगों को जेन्युइन चीज़ पता चल सके, ठीक है? और 26 मार्च का देख लेते हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट एंड फर्स्ट शिफ्ट, तो सेकंड शिफ्ट में 8 से 10 नंबर, ठीक है? और फर्स्ट शिफ्ट में आपके 10 से 12 नंबर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। एंड 25 मार्च का देख लेते हैं हम लोग, सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों का डाटा आ चुका है, तो 8 से 9 नंबर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और फर्स्ट शिफ्ट में भी इतना ही मिलेगा, ज़्यादा आप लोगों को कोई वो नहीं होने वाला है, ठीक है? ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें चीटिंग वगैरह भी हुई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है ना? तो बस मैं बोलना चाहता हूँ और एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना उसमें मास लेवल पर चीटिंग हुई थी, तो आप लोग देख सकते हो इसमें यार थोड़े से नंबर कम ही बढ़ेंगे, ठीक है? 4 से 5 आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे एंड सेकंड शिफ्ट में आप लोगों को इतना देखने के लिए मिलेगा। एंड 13 मार्च के देख लेते हैं हम फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, दोस्तों 8 डाटा आ चुका है हमारे पास, तो फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट तो 10 से 12 नंबर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? एंड हम देख लेते हैं 11 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, ठीक है? तो 6 से 8 नंबर आप लोगों को देखने के मिलेंगे एंड सेकंड शिफ्ट में आप लोगों को 8 से 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है? और वीडियो को कंप्लीट देखना तभी आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट देख लेते हैं दोस्तों, 10 से 11 नंबर आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? ये मेरा डाटा नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, जो भी आप लोगों ने डाटा दिया है मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो सेकंड शिफ्ट में भी आप लोगों को इतने ही देखने के लिए मिलेंगे, 8 से 9 नंबर, ठीक है? एंड 15 मार्च देख लेते हैं दोस्तों, सेकंड शिफ्ट एंड फर्स्ट शिफ्ट दोनों का डाटा हमारे पास आ चुका है, तो फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों को 9 से 10 नंबर मिलेंगे देखने के लिए एंड सेकंड शिफ्ट में 12 से 15, क्योंकि ये शिफ्ट बहुत हार्ड बताई गई है, ठीक है? अभी की हमारे डाटा के अनुसार, ठीक है ना? 15 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है? एंड 20 मार्च के देख लेते हैं दोस्तों, तो सेकंड शिफ्ट हमारी जो है 9 से 10 आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे एंड 19 मार्च में जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों के 8 से 10 नंबर इंक्रीज़ होंगे, ठीक है? तो ये नॉर्मलाइजेशन में आपको स्कोर बता रहा हूँ, तो फाइनल कट ऑफ भी मैं अभी बताऊँगा आप लोगों को कितनी जाने वाली है, ठीक है ना? तो और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी गलत हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस गलत हैं,
ठीक है, 6 मार्च का देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों का डाटा हमारे पास आ चुका है आज, तो 6 से 8 नंबर एंड 7 इसमें जो है। फर्स्ट शिफ्ट में तो आप लोगों के इतने देखने के लिए मिलेंगे, बट अभी काफ़ी सारे बच्चों ने उसमें डाटा जो है मैंने इकट्ठा किया है, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट से मैंने इकट्ठा किया, तो पहले मैंने इतना बताया था, तो थोड़ा सा चेंजेस आप लोगों को देखने के लिए इसमें मिला है, ठीक है। तो क्योंकि ये शिफ्ट बताई जा रही है सबसे ईजी है, बट मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट से इसमें बात करी है, तो उन्होंने जो है बताया कि सर ये इतनी शिफ्ट ईजी भी नहीं थी जो लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फिर उसके अकॉर्डिंग जो है जितनी भी सारी मैंने काफ़ी सारे बच्चों से बात करा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डाटा पर लिया है, तो 8 से 10 नंबर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, एंड सेकेंड शिफ्ट में भी आप लोगों को लगभग 8 से 10 नंबर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एंड 8 मार्च का देख लेते हैं हम फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोस्तों, तो इसमें 7 से 8 नंबर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। एंड 20 मार्च का देख लेते हैं दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का हमारे पास डाटा आ चुका है, 10 से 12 इसमें मिलेंगे आप लोगों को, इसमें 9 से 10 नंबर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एंड लास्ट शिफ्ट है एंड फाइनल शिफ्ट, क्योंकि सभी शिफ्ट मैंने बता दी हैं आज आप लोगों को, ठीक है। और जिसने प्रीवियस वीडियो देख रही थी उसका बहुत बहुत धन्यवाद, उसमें तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, बस कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो मैंने इसमें कवर कर लिया है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे ट्विटर अकाउंट को ज़रूर मेंशन करिए, ठीक है, एंड इसको ज़रूर फॉलो करना है आप लोगों को, और जब भी जैसे भी आप लोग ट्वीट करोगे, कोई भी ट्वीट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा जिससे कि, एंड मैं आपका रीट्वीट ज़रूर करूँगा, ठीक है, और सभी बच्चों का मैं रीट्वीट करूँगा, एंड आप विश्वास रखिए, ठीक है। तो देखने के लिए मिलेगा, और जब भी आप लोग, और मैं आप सब लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ट्वीट करिए, ठीक है, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें ट्विटर कैंपेन में। और ये भी चीज़ है जैसे कि आप लोग वीडियो भी छोटी सी क्लिप बना सकते हो, और जब भी ट्वीट करो उसमें अपलोड कर सकते हो, ठीक है, तो इससे ज़्यादा सरकार पे प्रभाव पड़ता है, एंड देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को प्रभाव, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कट ऑफ वगैरह, ठीक है, तो कट ऑफ देख लेते हैं भाई। सबसे ज़्यादा डिमांड इसी चीज़ की होती है, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ, एंड डाटा हमारे पास बिल्कुल करेक्ट डाटा था, तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू एससी एसटी सभी कट ऑफ हम बताने वाले हैं आप लोगों को। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो मांगे हैं, 3 मांगे हैं हमारी, ठीक है, तो मैंने अपने पिछली वीडियो में बताई है, और इस वीडियो में बता देता हूँ मैं। जैसे कि हमने बताया था कि सीबीआई जांच हो, है ना, सीबीआई जांच हो और 51,000 हमारे पद बढ़े, सबसे बड़ी मांग तो हमारी यही है। तो यदि सीबीआई जांच हो और चीटर्स वगैरह सब कुछ पकड़े जाएँ, ठीक है, तो यदि चीटर्स वगैरह पकड़े जाते हैं तो भाई ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता है कट ऑफ हमारी डाउन हो जाएगी, एंड जिसका भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, प्लीज़ ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करिए। आप लोगों को पता है, मैंने बता दिया है कि कब हमारा ट्विटर कैंपेन होने वाला है, ठीक है, तो ध्यान से आप लोग एक बार और देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो इसका, ठीक है, और ध्यान से देखना है, ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। वक्त रहते जाग जाओ 5 मई शाम 5 बजे #MPTETWorkTeam51000। और कोई भी बच्चा यदि किसी ने भी ये गलत करा, भाई सच में बहुत बुरा होने वाला उसके साथ, तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कोई भी गलत ना डाले, और जब भी ट्वीट करे, एंड लंबा सा आप लोगों को ट्वीट करना है, सब कुछ उसमें बता दो अपनी डिटेल्स, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यार एक लाइन में ट्वीट कर रहे हो और बस ऐसे ही डाल रहे हो #MPTET, उसमें कुछ नहीं होने वाला, जो भी देखेगा उससे बिल्कुल गलत प्रभाव पड़ता है उस पर, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डाल देनी है अपनी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपकी, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को जितने भी जो भी आपका डाउट्स हैं, सीबीआई मांगा है आपको करनी है, एंड 51,000 हमें पद की घोषणा करनी है, ठीक है, हमें चाहिए इतने पद हमें, ठीक है, तो आप लोग वो सब चीज़ें डालो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई एक ही लाइन आप लोगों ने डाल दिया यार, वो बहुत गलत चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चों का यही डाउट रहता है कि कट ऑफ वगैरह कितनी जाएगी, तो फिर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये जितनी भी हमारे पास लेटेस्ट वैकेंसीज हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, और यदि आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो जनरल की जो मेल कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी दोनों की कट ऑफ हम देखने वाले हैं दोस्तों, तो जनरल की जो मेल कैटेगरी कट ऑफ है वो लगभग आप लोगों को 115 प्लस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि यार अभी जो है नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, एंड जो भी मैंने कट ऑफ बताई है वो 51,000 वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग बताई थी, बट अब जो है यार क्योंकि देखने के लिए मिल रहा है कि कोर्ट केस वगैरह भी हो चुका है, एंड वैकेंसी यदि आपकी रद्द नहीं हुई तो आप लोगों को जेन्युइन जो कट ऑफ है आप लोगों की ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है ये सब चीज़ें, ठीक है, जाके आप लोग देख सकते हो। एंड जो फीमेल की कट ऑफ है लगभग आप लोगों को 110 प्लस देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। एंड अब हम देख लेते हैं दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो लगभग कितना जो है वेरिएशन इसमें मिलेगा। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को ओबीसी कैंडिडेट की बता रहा हूँ मैं, लगभग आपको जो है 105 प्लस आप लोगों की रहने वाली है, ठीक है, एंड 104 प्लस जो है फीमेल की रहेगी, एंड ईडब्ल्यूएस की 103 प्लस रहने वाली है, एंड जो
फीमेल कैटेगरी है उनकी कट ऑफ जो है इतनी रहेगी। तो मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, नॉर्मलाइजेशन के बाद काफ़ी सारे बच्चे फिर भी कमेंट पूछते हैं सर ये कट ऑफ जो आप लोगों ने बताई है ये कम नॉर्मलाइजेशन के बाद है या फिर किसके बाद। तो ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद है, आप बिल्कुल घबराओ मत, ठीक है। आप लोग जो है बस ट्विटर कैंपेन में जब भी आप लोगों से बोला जाता है आप लोग ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करा करो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि हम कब हमारा ट्विटर कैंपेन होने वाला है। एंड 96 से 98 जो है आप लोगों की रहने वाली है एससी कैंडिडेट की, एंड 94 से 95 जो है फीमेल कैटेगरी की रहने वाली है, जो कि मेल मैंने बताया ही और फीमेल कैटेगरी। एंड आप लोग देख सकते हो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 90 से 95 आप लोगों की रहने वाली है, एंड 85 जो है 85 से 90 ये आप लोगों को देखने की मिलेगी फीमेल की कट ऑफ। एंड पीएच कैटेगरी की बता देता हूँ आप लोगों को 87 से 90, ठीक है, एंड 85 से 90 आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी फीमेल की कट ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आप लोगों को। मैं फिर आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ये सब हैं, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है तो आप लोग इससे ज़रूर मेंशन करना, ठीक है, और ये हमारे चैनल का अकाउंट है तो ट्विटर अकाउंट है ये दोस्तों, बिल्कुल आप लोग मेंशन करिए इसको एंड फॉलो भी आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल फॉलो करिए आप लोग, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने दे दी है एंड आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि इन्हें ज़रूर मेंशन करिए, ठीक है, और जितने भी हमारे चैनल्स हैं एवीपी न्यूज़ हैं जितने भी हमारे चैनल्स हैं, ठीक है, उन सभी को आप लोग मेंशन करिए ताकि सभी तक ये पहुंच सके न्यूज़, ठीक है। एंड बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ और आप लोगों को बता दिया मैंने कि वक्त रहते जाग जाओ, 5 मई शाम 5 बजे हमारा ट्विटर कैंपेन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।